क्वेश्चन नंबर 66 बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम। ए ऑप्शन, इन लिवरवर्ट मॉस एंड फर्न गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज लिवरवर्ट एंड मॉसेस आर ब्रायोफाइट, इनमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। टेरिडोफाइट्स इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, इसलिए स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑप्शन बी इज जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस। तो ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोस्पोरस। सम फर्न्स की बात की गई है तो सम फर्न में हम एग्जांपल ले सकते हैं साल्विनिया, साल्विनिया भी हेट्रोस्पोरस होता है। सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्बुगो इज ओगेमस। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज ओगेमस कंडीशन में मेल गैमेट स्मॉल और मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट लार्ज और इमोटाइल होता है, और तीनों के अंदर ये कंडीशन मिलती है। फोर्थ ऑप्शन डी, द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर इलाबोरेट देन इन मॉसेस। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज मॉस का स्पोरोफाइट ज्यादा इलाबोरेट है लिवरवर्ट से। ऑप्शन ई इज बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया डायशियस। तो नो डाउट मार्केंशिया इज डायशियस बट पाइनस इज मोनोशियस, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। आंसर 4।